नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज पुस्तक चर्चा, एक लंबे अंतराल के बाद पुस्तक की चर्चा होगी, लेकिन यह पुस्तक किसी फिल्मी हस्ती पर नहीं है और न ही किसी फिल्म पर है। फिर क्या है यह पुस्तक, बताता हूँ थोड़ी देर में। अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी भी बजा दीजिएगा। पुस्तक चर्चा में इस बार यह पुस्तक है मास्टर शॉट। फरीद खान इसके लेखक हैं। फरीद खान बेहद संवेदनशील रचनाकार हैं। उनकी कुछ किताबें जो पिछले कुछ सालों में आई हैं उनके नाम देख लें, गीली मिट्टी पर पंजों के निशान कविता संग्रह है, मास्टर शॉट कहानी संग्रह है, यह अपनों के बीच अजनबी कथेतर गद्य है जिसकी पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। लगातार इनकी रचनाएं हंस, कथादेश, तद्भव, आलोचना, उद्भावना इंडियन लिटरेचर में प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने फिल्मों और टीवी के लिए व्यावसायिक लेखन भी किया है और यह पुस्तक मास्टर शॉट, जो कि मैंने कहा, आपको बताया भी कि ना तो यह किसी फिल्मी हस्ती पर है और ना ही यह किसी फिल्म के ऊपर है, यह एक कहानी संग्रह है और इसमें फिल्मों से संबंधित किरदारों की काल्पनिक कहानियां हैं। ऐसी काल्पनिक कहानियां जो फिल्मी गतिविधियों की ना तो रिपोर्टिंग है और ना ही गॉसिप कथा है। यहाँ पूरी संवेदना के साथ वे किरदार जीवंत होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में मंडराते रहते हैं, इसके गलियारे में घूमते रहते हैं, इसकी बस्ती में बसे हुए हैं और अपनी एक जगह बनाने के लिए, अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए संघर्षरत हैं। पुस्तक का शीर्षक है मास्टर शॉट और खुद फरीद खान बताते हैं, मास्टर शॉट फिल्मांकन में एक ऐसा शॉट जो दृश्य के सभी पात्रों का स्थान दर्शाता है। इस कहानी संग्रह के किरदारों के स्थान को आप इन कहानियों को पढ़ते हुए समझ सकते हैं, उन्हें करीब से जान सकते हैं और किस्से कहानियों में, गॉसिप में जो चर्चाएं, जो अफवाहें, जो कहानियां आप सुनते हैं उनकी सच्चाइयों से भी परिचित हो सकते हैं। मुझे यह कहानी संग्रह इसलिए भी जरूरी और चर्चा का विषय लगा पुस्तक चर्चा में इसे लेने की वजह मुख्य रूप से यही रही कि इसके सारे किरदार फिल्मों से संबंधित हैं, कहीं न कहीं वे फिल्म से जुड़े हुए हैं। फरीद खान ने ज़्यादातर पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे और पर्दे के इर्द गिर्द सक्रिय व्यक्तियों को चुना है, किरदारों को चुना है और इस संग्रह में पेश किया है। इस किताब के बारे में ऋषिकेश सुलभ बिल्कुल सही कहते हैं, इन कहानियों में फिल्मों और मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में जिंदगी की लय तलाशते लोग शामिल हैं। कला और व्यवसाय के अंतर्द्वंद्वों के अलावा तुरंत सब कुछ पा लेने की आकुलता के बीच नष्ट होती मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने की अंतिम कोशिशों के कई मार्मिक क्षण इन कहानियों में जीवंतता के साथ दर्ज हैं। मुझे अच्छी बात फरीद खान की ये लगी कि उन्होंने उन किरदारों को चुना है जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम परिचित हैं, लेकिन उनके अंतस की गहराइयों में हम कभी नहीं उतर पाते। हमें जो छवि दिखाई पड़ती है, हमें जो बताया जाता है मीडिया के जरिए, वह सब उनका बाहरी रूप है और वह निष्कर्ष है, लेकिन जो अंतः संघर्ष है वह इन कहानियों में जाहिर होता है। इस संग्रह में कुल 6 कहानियां हैं, आलता, चांद, आदर्श नगर, अंधेरी वेस्ट, हरसिंगार के फूल, वीणा के तार और मास्टर शॉट। मुझे व्यक्तिगत रूप से चांद और मास्टर शॉट ज़्यादा पसंद आई। चांद में शीला और तबस्सुम की कहानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से दो ऐसे महिला किरदारों को पेश करती है जो एक छोटे शहर से बड़े अरमान लेकर के बड़े शहर में आती हैं, मुंबई में आती हैं और फिर कैसे वे अपनी जगह बनाने में कामयाब होती हैं, लेकिन इस बीच में उनके लिए बहुत कुछ टूटता
फूटता जाता है लेकिन अंत में कुछ जुड़ता भी है। उनकी हिम्मत, उनका साहस, उनकी लगन और उनकी महत्वाकांक्षा सब कुछ एक साथ इस कहानी में दर्ज हुई है। ऐसे ही मास्टर शॉट में मीनाक्षी का किरदार परतदार है और अपनी परतों में वो समाज की विसंगतियों को साथ लेकर चलता है, साथ ही एक महिला के चरित्र को कैसे आंका और भांपा जाता है उसे समझाता भी है। मुझे लगता है कि मुंबई आए कलाकारों और फिल्मों से जुड़ने के आकांक्षी दूसरे सभी व्यक्तियों को इस कहानी संग्रह से गुजरना चाहिए। सामान्य पाठकों को भी ये कहानियाँ पढ़नी चाहिए, इसलिए कि फिल्म इंडस्ट्री की एक अलग झलक इन कहानियों से मिलती है। हालांकि वे सारी काल्पनिक हैं लेकिन सच के बहुत करीब हैं। तो फरीद, आपको बधाई, ये पुस्तक मेरे पास है। आप कभी भी दोबारा मुझे मिलेंगे तो मैं इस पर आपका हस्ताक्षर लूँगा। मुझे ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगी हैं और मैं चाहता हूँ कि फरीद और कुछ कहानियाँ इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लिखें, यहाँ के कलाकारों के बारे में लिखें, तकनीशियनों के बारे में लिखें और उनकी ऐसी कहानियाँ लिखें जो दुनिया नहीं जानती। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल।